नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज भवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बंपर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला जी बी ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा आजमगढ़। स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्लेग्रुप 2 क्लास 10। जिले में एक ऐसी कॉलोनी भी है जो एक दशक बाद भी बुनियादी सुविधाओं से दूर है। आप आश्चर्य करेंगे परंतु यह सच है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सराय मंदराज स्थित रूपाली कॉलोनी की, जिसके विकसित हुए लगभग एक दशक से अधिक का समय बीत चुका है और यहाँ के विकास का नज़ारा आप देख ही रहे हैं। सरकार के पास धन और योजना की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। यहाँ आज तक जिम्मेदार नाले का निर्माण नहीं करा पाए हैं। कॉलोनी के लोग विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और ग्राम सभा पंचायत चुनाव में वोट देते आ रहे हैं। ग्राम पंचायत में विकास पर लाखों रुपए की धनराशि आती है, लेकिन कॉलोनी में जब नाली तक नहीं बन पाई तो कोई और विकास का कार्य कैसे दिखाई देगा। फिलहाल कॉलोनी के लोगों की प्रमुख समस्या यही है कि यहाँ एक अदद नाली भी नहीं है। घरों का पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिसमें गंदगी फैलती रहती है। पानी भरी सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल होता है। सड़क पर खड़िजा भी नहीं है, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल होता है। बच्चे और बूढ़े बरसात में स्कूल और अस्पताल तक ठीक ढंग से नहीं जा पाते हैं। बिजली के तार लकड़ी की बल्लियों के सहारे कई किलोमीटर तक घरों में गए हैं। घरों के बाहर जमा पानी में सुअरों आवारा पशुओं की भरमार रहती है, इस वजह से बीमारियां भी फैल रही है। कॉलोनी में रह रहे लोगों का कहना है कि वो क्षेत्र के विधायक, सांसदों, नगर आयुक्त, खंड विकास अधिकारियों से गुहार लगाकर थक चुके हैं। प्रधान चाह कर भी काम नहीं करा पा रहे, जबकि कायाकल्प के लिए सरकार ने उनके लिए अपने खजाने खोल रखे हैं। ये रूपाली कॉलोनी हमारे गांव सभा में आती है और ये पानी की बहुत समस्या है। पहले प्लाट खाली था, उसमें पानी चला जाता था, मिट्टी लोग डलवा दिए हैं, पानी की समस्या हो रही है। तो इसका ठोस उपाय है कि ये पानी नाला कम से कम नदी तक बन के जाए, ताकि ये समस्या ख़त्म हो जाए। आवास तो इस रूपाली कॉलोनी में करीब 50 आवास हैं और ये नाली की समस्या पूरे गाँव की है। नाला अगर ये नाला यहाँ से बन के नदी तक चला जाएगा तो जो इधर से पूरब से ले के भी नाले आते हैं, इसमें ज्वाइंट हो जाएंगे और ये पानी चला जाएगा नदी में। हाँ, प्रस्ताव बना के दिया भी गया है, लोग आश्वासन दिए हैं कि हो जाएगा। अब प्रधानी में उतना बजट नहीं है, या तो सरकार हमें बजट दे, हम ही नाला बनवा देंगे। समस्या ये है कि यहाँ पानी पहले बहता था, अब रास्ता रुक गया है पानी बहने का और पूरा सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। यहाँ के सारे लोगों की परेशानी है, मच्छरों से बीमारियाँ होने का खतरा पैदा हो गया, डेंगू का भी खतरा है, सारे लोग बीमार हो रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल्द से जल्द अगर पानी के निकलने कोई इंतजाम नहीं किया गया तो पूरी कॉलोनी, पूरा गाँव बीमार हो जाएगा। हाँ, की गई है, लोगों से कहा गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से एक नाला बनकर के पानी का प्रॉपर इंतजाम हो जाए और नदी में चला जाए। समस्या है, नाली की समस्या है, पानी नहीं जा रहा है, रुका पड़ा है। आज हम लोग समस्या जो है एक महीना से, तीन महीना से झेल रहे हैं इसी तरह। कोई गिर रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, यह हालत है, हमारे दरवाजे के सामने है एकदम। क्या चाहते हैं? इसकी व्यवस्था सरकार करे, और क्या चाहते हैं, व्यवस्था होना चाहिए इसकी। यही है, नाली की समस्या है, पानी जा रहा, हम लोग के घर के सामने से पानी जा रहा, बहुत बदबू आ रही है, हम लोग बहुत परेशान है, इससे बहुत बीमारी भी फैल रही है। हमारे तो बच्चे डेंगू हो गया, उसको हम उसको लेके परेशान है, टेस्ट वेस्ट कराए हैं अभी। यही सब समस्या है, नाली की समस्या है। हम चाह रहे हैं कि नाली कहीं, पानी कहीं इकट्ठा, अच्छे जगह कहीं जाए, सुविधा दें लोग नाली के लिए। पानी इकट्ठा हो रहा है सड़क जी, साड़ी सब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही समस्या है, पानी की समस्या है। अब बच्चे जैसे इसी रास्ते स्कूल जाते हैं तो फिसल के गिरते हैं, हम लोग लेने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, और कई तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो इसका सलूशन कुछ निकाले, मतलब नाली उली बन जाए, हम लोग इसीलिए परेशान हैं। प्रशासन से यही अपील है कि हम लोगों की थोड़ा सा कुछ हेल्प करें।
काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, LED, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। RTO रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का LED TV फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराए 1,100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइंड कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, एज पर CBSE स्टैंडर्ड्स, आउटडोर एंड इंडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। अवर ब्रांच किड्स पैराडाइज, फन ऑफ लर्निंग प्ले ग्रुप, सेक्शन ऑफ पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, 200+ डिजाइन एक्टिविटी किट्स एंड प्ले जोन फॉर किड्स पैराडाइज प्ले ग्रुप सेक्शन।